हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हो। दोस्तों, आज संडे है और करीब टाइम हो रहा है 12:30। आज फर्स्ट टाइम है मेरा अपने नई वाली बाइक से मुलाकात करना, तो चल रहे हैं आज फिर उधर कहीं जंगल की तरफ। और हमारे साथ में है यूपी टू गोवा, देख सकते हैं यूपी टू गोवा भी हमारे साथ में है, तो उनको साथ में लेकर आज हम चल रहे हैं उधर। और कुछ यूट्यूबर हमारे साथ में हैं, वो भी मिलेंगे रास्ते में, तो देखते हैं क्या सीन होता है आज का। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राइडर यूपी साइकिल, तो चलते हैं वीडियो को काम करें। और हमारे साथ में आज हमारे विजय भाई हैं, जिनका यूट्यूब चैनल है विजू ब्लॉग, और सोहेब भाई को तो जानते होंगे। तो आज हम साथी में हम लोग चल रहे हैं जंगल की तरफ और हम ब्लॉगिंग करेंगे और कुछ और भी काम करना है, मतलब कॉमेडी वीडियो भी शूट करना है, तो वही सब हम आज दिखाएंगे अपने वीडियो में। तो बने रहिए हमारे वीडियो से और वीडियो को पूरा इंजॉय करिए, देखते हैं क्या क्या मतलब होता है। चलो फिर चलते हैं। कुछ हमारे साथ वाले आगे जा रहे हैं और कुछ हमारे पीछे हैं, मैं पीछे वाले कैमरे से भी दिखाता हूं उन सबको, देखिए आप लोग, और काफ़ी मज़ा आएगा आज के वीडियो में भाई। तो देखिए यहां पर पानी अपने आप निकल रहा है और प्यास भी लगी है, तो सब लोग पानी पी लें। पानी ऑटोमेटिक निकल रहा है। एक तरह से अगर कहा जाए तो किसी फिल्टर से कम नहीं पानी, काफी मीठा पानी है और बहुत अच्छा पानी है यहाँ का। आज का प्लान कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कहाँ पर जा रहे हैं लोग और क्या होने वाला है वीडियो में। सारे प्लान हमारे कैंसिल हो रहे हैं। पहाड़ों में जाने का इरादा था, लेकिन जब पहाड़ों की हम सुनते हैं लैंडस्लाइड, भूस्खलन, तो हिम्मत जवाब दे जाता है। इसीलिए हम आप सबको लेकर आए हैं ऐसी जगहों पर, आप लोग यहां का लुत्फ लीजिए और नज़ारा देखिए। कहाँ पर नजारा हो? काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहां का, आप देख सकते हैं बहुत प्यारा सा व्यू है। बस जहाँ जा रहे हैं वहाँ चलते जाएंगे, हमें क्या करना है, बस जो होगा आगे वो आपको दिखाते रहेंगे हम। ये देख सकते हैं आप कैसे कैसे रास्ते हैं और किस किस रास्तों से लेकर जा चल रहे हैं मुझे। हमारे बाएं साइड में एक रिवर है और उस रिवर के बगल हम लोग चल रहे हैं। अब कहां तक चलते हैं, शायद रिवर क्रॉस करने का इरादा इन सबका। क्या कर रहे हैं यार भाई लोग, आखिर में कहां जाना है, क्या करना है, रिवर क्रॉस करना है, रिवर तो क्रॉस कर नहीं पाओगे, देखिए बाढ़ बहुत तेज है इसमें। एक बंदा उधर से आ रहा है, देखते हैं वो निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। अगर वो निकल जाएगा तो उसी के सहारे हम लोग भी कोशिश करेंगे निकलने के लिए। ये देख सकते हैं आप, अब आप देख सकते हैं कि मतलब इधर के लोग किस तरह से इस नाले को पार करते हैं और कितनी तरह से ये पानी भरा हुआ है। धीरे धीरे प्लान कैंसिल हो रहा है। अब हम लोगों को नाले के उस पार जाना था, लेकिन पानी की वजह से मतलब कोई उस पार जाना नहीं चाहता है। तो अब देखते हैं क्या डिसाइड किए हैं, कहाँ चलते हैं आगे। जहाँ चलते हैं वही दिखाएंगे आपको हम। वैसे काफ़ी मज़ा आ रहा है आज की वीडियो में, कितना मज़ा आएगा ये तो एंड तक एंड पे ही जाकर पता चलेगा। उसी गांव पर जाना था भाई, वो गांव दिख रहा है ना, उस गाँव पर जाना था। मुश्किल है कि मतलब वहाँ तक हम लोग जाएँ, बस ये पानी हम लोगों का रास्ता रोक दिया है। ये हमारे दोस्त लोग देखे आ रहे हैं ऐसे अजीबोगरीब रास्ते से, ये निकल रहा है ये भाई। कुछ लोग पैदल आ रहे हैं, कुछ लोग बाइक से आ रहे हैं। मजा आया भाई, बहुत मजा आया भाई।
अरे क्या हुआ भैया, किसका? ए चाबी दे भाई, चाबी दे बाइक की। बेचारा पैदल आ रहा है गाड़ी लेकर 1 किलोमीटर से। आजा आजा जल्दी आजा। क्या है लोग यार, आपस में सब लोग आए। आराम से निकलो, आराम से ले लो ले लो। चलो आओ। यहाँ पर ये देखो कि बिना रोड के या बिना रास्ता के खेत के मेड़े पर मतलब बाइक लेकर चल रहे हैं। अब बताइए ऐसे ऐसे रास्ते पर लेकर चलते हैं, क्या कहा जाए यार। मेरा तो पूरा एकदम से दिमाग खराब हो गया है। अब हमारे सोएब भैया का क्या होगा, देखिए उनकी। चलो भाई निकालो, इसको भी निकालो यार। कब तक यहाँ पर रुकोगे, निकालो। एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ खेत है, और बीच में पतला सा रास्ता है मेड़, यानी जिसे हम लोग मेड़ कहते हैं। अब इसी रास्ते से हम लोगों को निकलना है। अब ये देखिए यहाँ पर बैरिकेडिंग किया हुआ है, अब इनको भी निकालना पड़ेगा। बाई दफ़े अगर नोकीला वाला तार पैर में लग जाए तो समझ लीजिए कि टाका लगना भी मुश्किल है। अब ऐसे ऐसे रास्तों से चल यार, ऐसे ऐसे रास्तों से लेकर आते हैं। आपने रास्ता देखा, यानी खेत के मेड़ पर बाइक चलाना पड़ रहा है, और इसी वजह से हमारी वो बाइक ज़्यादातर ख़राब हुई थी। और ये भी लोग यही चाहते हैं कि मतलब जाए, एंड एडवेंचर मुझे भी काफ़ी पसंद है, लेकिन इतना भी ना करें यार कि जिससे नुकसान हो, क्योंकि अभी तो पहली सर्विस भी नहीं हुई बाइक की हमारी। लेकिन बस चले जाते हैं भाई लोग, चले जाते हैं। पूरा दिन यहाँ से वहाँ तक घूमने के बाद में जानते हैं मिला क्या खाने के लिए। ये देखिए टकाटक खा ले, थोड़ा पानी पी ले। डाली डाली फूलों की। भाई जाना चाहते हो तो जा सकते हो, अपना दाढ़ी बाल कटवाने के बाद में यहाँ से निकलेंगे। भाई किसी एंगल से आप बता सकते हैं कि मतलब जो चीज़ सैलूनों में होता है वो ऐसी जगहों पर नहीं किया जा सकता। अगर हम वहाँ पे बनवाने जाते तो कम से कम 150-200 रुपये का चार्ज पड़ता, लेकिन तो हम ऐसी ही जगहों पर अपना दाढ़ी बाल कटवाते हैं और बड़े सैलूनों में नहीं जाते हम। हम क्यों जाएं 150-200 रुपया खर्च करने, जब मेरा काम 85 रुपये में हो जाता है। तो चलते हैं अपने घर पर। भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारा दाढ़ी बाल कर दिया। देखिए माशाल्लाह चेहरा क्या बात है यार, अच्छी है। बीच में दोस्तों बारिश आ गई थी, बारिश की वजह से सारा मामला किरकिरा हो गया, और वीडियो भी मुझे शूट करना था, कुछ खास खास चीज़ें दिखाना था जो मैं नहीं दिखा पाया। और मेरे जो दोस्त लोग थे वो लोग अपने घर चले गए, हम फिर वापस आ गए अपने घर की तरफ। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर हम आज ख़त्म करते हैं। हमारी आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए